एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ग्रानी गार्डन ब्लॉग समय। दोस्तों, हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है वो किसी टास्क से कम नहीं होती है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो बस अपने ही टास्क को पूरा करने में लगी रहती है। सुबह सभी के लिए नाश्ता पानी से लेकर सभी लोगों का ध्यान रखना है, और साथ में अगर अपना कुछ पर्सनल कहिए या फिर अगर हमें कहीं जाना होता है तो उसको भी टाइम से पहले ही हमें मैनेज करना होता है। तो आज सबसे पहले तो मैं अभी सुबह के समय में नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, और आज बहुत दिन हो गए थे मुझे इस तरीके का नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि सभी लोगों की कभी कभी फरमाइश होती है फिर भी हम लोग टाइम पे नहीं बना पाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि या तो कोई चीज़ की कमी है या फिर कभी टाइम नहीं रहने की वजह से हम कभी भी सबकी फरमाइश एकदम टाइमली पूरी नहीं कर सकते हैं। तो आज बहुत दिनों की फरमाइश थी कि हमें मीठा खाना है, लेकिन मीठे में क्या खाना है, तो झटपट क्या बन सकता है, बस उसी को मैं तैयार करने में लग गई थी। और हमें पता है कि झटपट एकदम 5 मिनट में बनकर हमारा नाश्ता तैयार होता है, यहाँ आटे का हलवा, तो आज मैंने आटे का हलवा बनाकर तैयार किया है। साथ में मैं तो दूसरी तैयारी कर रही थी, घर में बहन आई हुई थी, तो आज उसी को मैंने कहा कि भाई आज हलवा बनाकर आप ही को तैयार करना है। तो बस वो सुबह उठकर मैं दूसरा काम करने में लग गई थी और वो हलवा बनाने लग गई थी, क्योंकि मतलब टाइम पे सब कुछ रेडी भी होना चाहिए, क्योंकि टाइम अगर नहीं रहता है तो हम लोग नहीं बना पाते हैं या फिर कोई भी काम टाइमली नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज फाइनली जब दो लोग होते हैं साथ में तो कोई भी काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर यह हलवा बनाकर तैयार कर लिया है। और कभी कभी होता है ना कि हम लोग जो भी नाश्ता है या फिर कुछ भी अगर खाना वगैरह बनाते हैं तो हमें खुद के हाथ का बना बना कर बोर हो जाते हैं, और जब वही चीज़ दूसरे अगर बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज का हलवा भी बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो बस यहाँ नाश्ता तो हमारा तैयार हो गया है, उसके बाद नहा धोकर मैं हो गई थी रेडी, और मुझे जाना था आज वंदना में, पड़ोस में ही था, ज़्यादा दूर नहीं जाना था, इसलिए जल्दी से तैयार हो गई थी। और वहाँ पहुँचने के बाद हमने की है पूजा पाठ, और हफ्ते में एक दिन तो हमारी इस तरीके की पूजा हो ही जाती है, और कभी कभी दो, मतलब हफ्ते में 3 दिन भी हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से हमारी रोज़ की डेली की दिनचर्या हर हाउस वाइफ की चलते ही रहती है, लेकिन कभी मतलब किसी की किसी तरीके से और किसी की किसी तरीके से, लेकिन हमारी आज की इस तरीके से हमारी दिनचर्या शुरू हुई और यहीं पर हमारी ख़त्म होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आगे की हमने और आगे क्या क्या किया है, क्योंकि यहाँ वंदना वगैरह करने के बाद में पूजा सभी लोगों ने कर ली और उसके बाद में थोड़ा सा मनोरंजन भी हमने किया है।